हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सतीश रामटेके, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि हार्ट के मरीजों के लिए या जिन मरीजों की एंजियोप्लास्टी हुई है या बाईपास ऑपरेशन हुआ है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे मरीज जिन लोगों की एंजियोप्लास्टी हुई है या बाईपास हुआ है, वो जनरली ये सवाल पूछते हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं ये कब तक चलेगी। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि कुछ दवाइयाँ इसमें लाइफ लॉन्ग चलती हैं, जैसे खून पतला करने वाली दवाई। दो तरह की खून पतला करने की दवाई होती है जनरली, जो एंजियोप्लास्टी के बाद में या बाईपास ऑपरेशन के बाद में दी जाती है। उनमें से दोनों दवाई कुछ समय तक, एक साल तक, दो साल तक कंटिन्यू चलती है, उसके बाद में उनको एक दवाई पर किया जा सकता है। पर ये दवाई कम करना या ज़्यादा करना पेशेंट को खुद अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए। ये डॉक्टर जो ट्रीटिंग कार्डियोलॉजिस्ट है वही दवाइयों को कम या ज़्यादा कर सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि दवाइयाँ छोड़ना नहीं है। जो भी दवाई आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास ऑपरेशन के बाद लिखी गई है वो दवाई रेगुलर कंटिन्यूसली लेते रहना है, अपने डॉक्टर की सलाह पे। अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। कई बार बहुत सारे लोग अच्छा लगने लगता है, कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई छाती में दर्द नहीं होता, उनको सांस की तकलीफ़ नहीं होती, तो दवाई छोड़ देते हैं। फिर बाद में वो फिर से हार्ट अटैक की वजह से भर्ती होते हैं, या तो फिर उनका जो स्टेंट लगा है वो बंद हो जाता है। ये सब परेशानियों से बचने के लिए हार्ट की जो भी दवाइयाँ लिखी हुई है, प्रिस्क्राइब की हुई है, खून पतला करने की जो दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ अपनी मर्ज़ी से बंद नहीं करनी चाहिए। यही मेरी मरीजों को सलाह है जिन लोगों की एंजियोप्लास्टी या बाईपास हुआ है, कि दवाइयाँ अपनी मर्ज़ी से बंद ना करें, दवाइयाँ रेगुलर खाए और रेगुलर इंटरवल पे कार्डियोलॉजिस्ट को, अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को ज़रूर दिखाए। इतना बोल के इसको मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई क्योरी हो तो वो मुझे भेजें, उसका मैं ज़रूर जवाब दूंगा।